तेजी से बढ़ रहे सड़क दुर्घटना के ग्राफ को देखते हुए अब सड़क सुरक्षा को लेकर बच्चे भी आगे आने लगे हैं। परिवहन और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित सड़क सुरक्षा समारोह में बच्चों ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन कर सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक के जरिए बच्चों ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने, कार में सीट बेल्ट लगाए रखने, नशे में वाहन नहीं चलाने व यातायात नियमों की पालना के लिए अपील की। बच्चों की ओर से प्रदर्शित नुक्कड़ नाटक की अधिकारियों व कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने काफी सराहना की। एसपी व कलेक्टर ने स्कूल में संचालकों से भी बाल वाहिनियों के संचालन में यातायात नियमों की पालना सख्ती से करवाने के निर्देश दिए। वहीं बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल वाहन चलाते समय लापरवाही करने पर पुलिस कार्यवाही की जानकारी दी। And I always wear helmet. It's because I have learned from my parents that a child's life till they get 18 is not just their life. It belongs to their parents too. So if I get hurt, it would be a big loss to my parents. So to care about my parents and to care about my own self, I wear helmet. And yes, I believe in following traffic rules. And since after wearing helmet, our head is very, very safe. That's why I wear helmet. And I'm 18 and I have my license. You guys too should have your license with helmet because it's not just about getting into an accident, but a child's life's loss is a big loss to our parents more than it is a loss to ourselves. Thank you. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके बराबर के हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? As I said before, it is not just our life, it belongs to our parents too. And we have to do a great deals. We have to do great deals in this upcoming future. That's why. आप कब से हेलमेट लगा के लगा रहे हैं, कब से यूज कर रहे हैं हेलमेट को? I have been putting helmet when I was 16 years old because then I got my temporary license. आपका नाम बता दीजिए। I'm Taruna Meena. कौन सी क्लास में हो? 10th. जिस तरह से सड़क दुर्घटना हो जाती है, लोग उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में डरते हैं, तो इसको लेकर क्या नियम कायदे करूँ? राजस्थान सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गुड सेमेटेरियन एक कानून लाया गया है। उसके तहत अगर कोई भी दुर्घटना के तहत कोई पेशेंट को लेके अगर हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको किसी तरह की पुलिस की पूछताछ या अस्पताल की में किसी तरह की इंक्वायरी नहीं होती। साथ में ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को पहुंचाने वाले आदमी को 5,000 रुपये पारितोषिक तौर पर दिए जाते हैं, जो कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। लोग समझते हैं कि किसी रोड एक्सीडेंट के केस को अगर मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो मुझसे कई तरह की पूछताछ होगी, पर लोग उससे घबराते हैं। तो इसके बारे में प्रचार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। साथ में जो पहला 60 मिनट्स होते हैं, पहला घंटा होता है एक्सीडेंट के बाद का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम पेशेंट की काफ़ी जान बचा सकते हैं।